हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं एनिमेकर्स। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जब शू फैंग शू जेन से हार्व लेके जाने लगता है, तब ब्रदर शू वे कहता है, तुम क्या रैंक फोर में पहुंच चुके हो? तभी शू फैंग कहता है, हाँ मैं पहुंच चुका हूँ। तभी शू शैन वहाँ पर कहता है, ये तो एक फ्रेंडली मैच था हमारे फैमिली के बिटवीन, तुम ऐसा मेरे ख्वाहिश के साथ कैसे कर सकते हो? तभी शू फैंग कहता है, मैं अब तुम्हारे फैमिली से कैसे हो गया? तुमने तब तो कहा था मैं तुम्हारे फैमिली से नहीं हूँ। तभी शू जेन शू फैंग को कहता है, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? तभी शू फैंग कहता है, क्या तुम मुझे फिर से चैलेंज करना चाहते हो और मेरे साथ फाइट करना चाहते हो? तभी हमको दिखाया जाता है कि शू फैंग की आंखों से लाइटनिंग निकलने लगता है। तभी उधर सब लोग हैरान हो जाते हैं और शू वे शू फैंग को कहता है, तुम इतना एरोगेंट क्यों हो रहे हो? तभी शू फैंग शू जेन से कहता है, मैंने तो सभी को एक चांस दिया था मगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तभी उधर शू फैंग उधर से जाने लगता है और शूई भी उसके साथ जाने लगती है और शूई शू फैंग को कहती है, तुम तो बहुत ही ताकतवर हो चुके हो, अभी तो तुमको मेरी भी हेल्प नहीं चाहिए होगी शायद। तभी शू फैंग शूई से कहता है, उधर ऐसा करने के लिए मुझे माफ़ कर दो। तभी शूई शू फैंग को कहती है, कोई बात नहीं, तुमने उनको अच्छा मजा सिखाया और वो अभी तुमको कभी बुली नहीं करेंगे। और शूई फिर से कहती है, तुम हमारे साथ कल हंटिंग में आ रहे हो ना? तभी शू फैंग कहता है, अब तक मैंने नहीं सोचा। तभी शूई कहती है, मैं उन दोनों का बात संभाल लूंगी, तुम जरूर आना हमारे साथ। तभी शू फैंग कहते है, तुम ऐसा कर रही तो मैं जरूर आऊंगा। तभी शूई सी यू टुमारो कह के उधर से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है शू ईवी शू एलायंस के बाहर खड़ी होती है और शू वे उससे कहता है कि तुम इधर क्या कर रही हो? तभी शू वी कहती है, शू फैंग क्या शू एलायंस में ज्वाइन कर सकता है? तभी शू वे कहता है, उसको कल ले आना। तभी शू ये कहती है, ठीक है शू वे। इसके थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की शू वी से कह रही थी, सिस्टर शू फैंग ही है क्या वो जो इस बार फर्स्ट प्लेस में आया है? और कहती है, मैंने सुना था कि फर्स्ट प्लेस में आने वाले ने उधर ही दो बीच को उधर ही मार डाला था। तभी शूई हैरान होके कहती है, वो दोनों बीच को तो रैंक फोर वाले मार्शल आर्टिस्ट भी हरा नहीं सकते। और सोचने लगती है, शू फैंग तो अभी अभी स्ट्रांग हुआ है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तभी वो लड़की कहती है, फर्स्ट प्लेस में तभी कौन आया है? तभी शूई देखती है कि शू शैन और शू जेन शू फैंग के घर के बाहर जाने लगते हैं और शूई भी उनका पीछा करने लगती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है शू फैंग अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी शू फैंग बोलता है, तुम लोग बाहर आ जाओ। तभी शू फैंग के पीछे से शू शैन आके कहता है, तुमको कैसे पता चला मैं तुम्हारे पीछे हूँ? तभी शू फैंग कहता है, शूई के जाने के बाद ही मुझे पता चला, क्योंकि मेरे चारों और बदबू थी, शायद ये बदबू तुम्हारी तरफ से आ रहा था। तभी शू शैंग शू फैंग के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तभी शू फैंग शू शैंग से कहता है, तुम इधर क्यों आए हो? तभी शू शैंग कहता है, तुम मुझे वो सेलेस्टियल स्पिरिचुअल हब दे दो। तभी शू फैंग कहता है, क्या तुम मुझसे भी फाइट करने चाहते हो? तभी हमें दिखाया जाता है शू फैंग और शू शैन की बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। शू शैन शू फैंग को एक पावरफुल मुक्का मार देता है और शू फैंग उसको ब्लॉक कर लेता है मगर थोड़ी चोट खा जाता है। तभी शू फैंग अपने थंडर पावर से शू शैन की तरफ एक पावरफुल किक मारता है और उसे बाहर फेंक देता है और शू फैंग कहता है, शायद हम सेमी लेवल पे है। और तभी हमें दिखाया जाता है शू जेन शू फैंग को पीछे आके पकड़ लेता है और कहता है, ब्रदर इसको मारिए। तभी शू शैन शू फैंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है मगर शू फैंग उधर से भाग जाता है और वो मुक्का शू जेन को ही लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है शू जेन का मुंह खून से लथपथ हो चुका है। तभी शू फैंग कहता है, ये बहुत ही क्लोज था। तभी हमको दिखाया जाता है शू शैन बहुत ही गुस्से में आकर कहता है कि शू फैंग ये तुम्हारा लास्ट चांस है और कहता है कि तुम घुटनों में आ जाओ तभी मैं तुमको इधर से जाने दूंगा। तभी शू फैंग भी कहता है, ये तुम्हारा भी लास्ट चांस है और अपनी पावर को बढ़ाने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है शू शैन शू फैंग की तरफ अटैक कर देता है मगर शू फैंग उससे बचकर शू शैन को ही हमला कर देता है और उसको हरा देता है और शू शैन के सारे हर्ब ले लेता है।
तभी हमें दिखाया जाता है उधर शुई भी आ चुकी है और शुई शूफेंग को कहती है तुम मुझे कितना छुपाओगे इस बारे में। और शूफेंग कहता है सिस्टर मैं तुमको ये बारे में छुपाना नहीं चाहता था। नेक्स्ट सीन में शूफेंग की घर में दिखाया जाता है। शूफेंग सोच रहा था ये तो स्पिरिचुअल हर्ब और आर्टली हर्ब है और कहता है स्पिरिचुअल हर्ब जितना आर्टली हर्ब इतना अच्छा नहीं है मगर नहीं होने से ज़्यादा होना ही बेहतर है। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग अपने भाई का लेटर पढ़ने लगता है। उस लेटर में लिखा था कि शूफेंग 5 साल पहले जब तुमने अजू ड्रैगन से ज्वाइन किया था तब से मैंने तुमको नहीं देखा और कहता है इस बार हमारे फादर शू फैमिली गैदरिंग में फैमिली हेड सिलेक्शन में शामिल होंगे और वो तुम्हें तुम्हारे ट्रेनिंग में डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे इसलिए मुझको तुमको ये बताने के लिए कहा और कहता है मैं आशा करता हूँ तुम जल्दी घर आओगे और फादर को इसमें थोड़ा मदद करोगे। तभी शूफेंग कहता है शू गैदरिंग और कोई बात सोचने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शूफेंग को स्पिरिचुअल हर्ब हंटिंग इवेंट में दिखाया जाता है। तब शूफेंग कहता है यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। तभी हमें दिखाया जाता है शुई शूफेंग को थोड़ी दूर से बुला रही होती है। तभी शूफेंग शुई के पास जाके कहता है क्या मैं इधर लेट पहुंचा हूँ। तभी शुई कहती है नहीं और शूफेंग को वहाँ से ले जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है शुवे शूफेंग और शुई के आगे से आ जाते हैं और कहते हैं शूफेंग तुम यहाँ हो। ऐसे ही मार्टियल गॉड का ये पार्ट एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो लेट वाला वीडियो देखिए।